फैमिली मेम्बर्स, आज मैं बना रही हूँ चीज़ी सैंडविच विद चिकन पैटी। और ये बहुत डिफरेंट स्टाइल के हैं और बहुत यूनिक रेसिपी है और सिंपल सी रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास 3 अंडे हैं जो मैं 1 by 1 बाउल में डालूंगी। ये 1 tablespoon फ्रेश दूध है, इसमें मैं अब डालूंगी 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon काली मिर्च, 1/4 teaspoon सुरख मिर्च, 1/4 teaspoon अंडे को मैं थोड़ा सा फ्लफी करूँगी। मैं इसकी जो ब्राउन साइड है वो मैं काट लूँगी। पहले मैं एक स्लाइस रखूँगी। ये सैंडविच जो है वो बेक करूँगी मैं। अब इसके ऊपर ये मैंने चिकन पैटी रखी है, अब इसके ऊपर एक स्लाइस, फिर बंद गोभी। अब मैं ऑमलेट के मेज़े में तकरीबन 1/2 teaspoon के करीब ऑयल डालूंगी। मेज़े को एक दफ़ा फिर मैं फेंट लूंगी ताकि जो इसमें मैंने स्पाइसेस डाले वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं इस मेज़े को ब्रेड के ऊपर स्लाइसेस के ऊपर मैं डाल दूंगी। मोज़रेला और चैडर दोनों मैं कश करके इन पर डाल रही हूँ। और एक बात हो कि आप अगर फर्स्ट लेयर में भी आप चीज़ डालना चाहें तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं करते, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक फर्स्ट लेयर में डाल सकते हैं। क्योंकि मैं मिक्स हर्ब जो है वो इन पर स्प्रिंकल करूँगी। अभी मैं बेक होने के लिए मैं रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही ऑन कर दिया था। वो मैंने 150 पे मैंने उसको ऑन किया था और 5 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है बेक हो जाएंगे। तो 160 पे अब मैं सेट करूँगी इनको रख के, उनके लिए मैंने बेक करूँगी। अब मैं तकरीबन 8-10 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेक हो गया है सैंडविच, मेरे बेक हो गए हैं और माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त बेक हुए हैं। तो आप मेरी रेसिपी को इस तरह ही फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सैंडविच पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू।